मुगलों का इतिहास ऐसा रहा है कि जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। ऐसे में इतिहास की किताबें राजा महाराजा और सम्राटों की कहानियों से भरी हुई हैं। माना जाता है कि मुगलों के हरम में 1000 औरतें थीं, जिसमें जहांगीर, शाहजहां और अलाउद्दीन खिलजी सम्राट ने अपनी महिलाओं से बहुत संबंध बनाए थे। वहीं उनके शासनकाल में हरम पर पैसा खर्चा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती थी, बेहिसाब पैसा बहाया जाता था। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिरकार अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद में उसकी रानियों का और उसके हरम में रह रही 1000 औरतों का क्या हुआ होगा? अगर नहीं जानते हैं और जानने के लिए बेताब हैं, तो हमारे इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको हमारी इस वीडियो में बताएंगे अलाउद्दीन खिलजी और उसके हरम में रह रही 1000 रानियों के बारे में। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश के दूसरे शासक थे। अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम अली गुरशास्प उर्फ जूना खान खिलजी था। 16वीं-17वीं शताब्दी के इतिहासकार हाजी उद दरीब के मुताबिक अलाउद्दीन का जन्म कलात जाबुल प्रांत अफगानिस्तान में हुआ था। कहा जाता है कि खिलजी जितना बड़ा साम्राज्य किसी शासक ने अगले 300 सालों तक नहीं किया। अलाउद्दीन खिलजी को खिलजी वंश का सबसे ताकतवर शासक माना जाता है। अपनी महत्वाकांक्षा के चलते उसे सिकंदर ए सनी का खिताब भी मिला हुआ था, जिसका अर्थ होता है दूसरा सिकंदर। अलाउद्दीन खिलजी के पिता की मृत्यु के बाद उसके चाचा जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी का पालन पोषण अपने बेटे की तरह किया था और अपनी बेटी का निकाह भी उससे करवाया था। लेकिन वो जलालुद्दीन की बेटी से शादी करके खुश नहीं था, क्योंकि जलालुद्दीन के सुल्तान बनने के बाद उनकी पत्नी एक राजकुमारी बन गई थी और उनके बर्ताव में अचानक से अभिमान आ गया था। 20 जुलाई 1296 को जब जलालुद्दीन ने गंगा नदी के किनारे अलाउद्दीन से मुलाकात की, तो अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन को गले लगाते समय उनकी पीठ पर चाकू से वार कर दिया और उनकी मृत्यु के बाद खुद को दिल्ली का नया सुल्तान घोषित कर दिया। जुलाई 1296 कारा में अलाउद्दीन ने अपने आप को औपचारिक रूप से अलाउद्दीन मोहम्मद शाह सुल्तान की उपाधि के रूप में नया सुल्तान घोषित किया। अलाउद्दीन ने अपने अधिकारियों को सैनिकों की भर्ती करने और उन्हें उदार सुल्तान के रूप में पेश करने का आदेश दिया। इसके बाद उन्होंने कारा में अपने मुकुट के साथ साथ 5 मन यानी कि लगभग 35 किलोग्राम सोना वितरित किया। भारी बारिश और नदियों में बाढ़ की स्थिति के कारण उन्होंने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया और 21 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन खिलजी ने औपचारिक रूप से खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली की गद्दी पर बैठते ही अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करना शुरू कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही महत्वाकांक्षी राजा थे और वो अपने आप को दूसरा सिकंदर कहते थे। उन्होंने सिकंदर ए सानी की उपाधि भी ग्रहण की हुई थी। चित्तौड़ किले पर किया गया आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किए गए आक्रमणों में सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा था। चूंकि चित्तौड़ का किला सामरिक दृष्टि से बहुत ही सुरक्षित स्थान बना हुआ था, इसीलिए अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और महाराजा रतन सिंह को हराया। हालांकि इस पूरे हमले की वजह रानी पद्मावती की सुंदरता बताई जाती है, जिस पर अलाउद्दीन मोहित हो गया था। अंततः 28 जनवरी 1303 ईस्वी को सुल्तान चित्तौड़ के किले पर अधिकार करने में सफल हुआ। राणा रतन सिंह युद्ध में शहीद हुए और उनकी पत्नी रानी पद्मावती ने अन्य स्त्रियों के साथ में जौहर कर लिया। ये चर्चा का विषय रहा और इस पर फिल्म भी बन चुकी है, आप तो जानते हैं। खैर, अधिकतर इतिहासकार पद्मावती को काल्पनिक पात्र मानते हैं और ऐसा भी कहा जाता है कि किले पर अधिकार के बाद सुल्तान ने लगभग 30,000 राजपूत वीरों की हत्या करवा दी थी। साथ ही आपको बता दें कि अलाउद्दीन के दक्षिण विजय का मुख्य श्रेय मलिक काफूर को जाता है। मलिक काफूर ने ही दक्षिण भारत के सभी विजय अभियानों की अगुवाई की थी। 1306 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक बड़ी सेना को देवगिरी के राजा रामचंद्र देव पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया था। युद्ध के बाद राजा रामचंद्र ने आत्मसमर्पण कर दिया था। अब आपको बता दें कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में इतिहास की किताबों में दर्ज है कि वो अय्याश किस्म का राजा था और उसके और मलिक काफूर के बीच में शारीरिक संबंध थे। जिस दौर में आधे से ज्यादा हिंदुस्तान पर खिलजी का शासन था, उसी दौर में मलिक काफूर नाम का एक किन्नर खिलजी का सबसे खासम खास आदमी हुआ करता था, या कह लें कि औरत हुआ करती थी। माना जाता है कि मलिक काफूर को खिलजी के सुपह सलार नुसरत खान ने 1297 में गुजरात फतेह के बाद 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए काफूर का नाम हजार दिनारी भी था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि हिंदू परिवार में जन्मा काफूर जन्म से किन्नर था, लेकिन ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि खिलजी ने काफूर को नपुंसक बनाकर उसे मुसलमान बनवाया था। बहरहाल,
काफूर केवल खिलजी का प्रेमी ही नहीं था, वो एक बहादुर योद्धा भी था। उसने खिलजी के लिए मंगोलों के साथ और दक्षिण भारत में महत्वपूर्ण युद्धों में हिस्सा लिया। इतिहास की किताबों में दर्ज है कि खलनायक सुल्तान खिलजी के नायब ने दक्षिण भारत में जाकर मारकाट मचाई और कई हिंदू राजाओं पर कब्जे के लिए लगातार आक्रमण करता गया। मलिक काफूर ने दक्षिण भारत के कई मंदिरों को नुकसान पहुंचाया। मदुरे के पौराणिक और मशहूर मीनाक्षी मंदिर को भी अलाउद्दीन खिलजी के भरोसेमंद मलिक काफूर ने तहस नहस कर दिया था और लूट की मोटी रकम के साथ दिल्ली लौट गया था। लेकिन जियाउद्दीन बरनी के मुताबिक काफूर से खिलजी को इतना प्यार था कि उसने काफूर को अपनी सल्तनत में दूसरा सबसे अहम ओहदा मलिक नायाब का दिया हुआ था। खिलजी ने जब दौलत के लिए दक्षिण भारत पर आक्रमण करने का फैसला किया तो उसकी जिम्मेदारी मलिक काफूर को ही दी गई। खिलजी के हुक्म पर मलिक काफूर ने दक्षिण भारत के कई इलाकों में जमकर मारकाट और लूटपाट मचाई। मलिक काफूर सिर्फ दौलत ही नहीं लूटता था बल्कि जंग के बाद अलग अलग इलाकों से बंधक बनाई गई लड़कियों को खिलजी के हरम में शामिल करने के लिए दिल्ली भेजा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी को लेकर कई किताबों में दावा किया गया है कि उसके हरम में महिलाओं के साथ साथ कई पुरुष थे और इतिहासकारों की माने तो उसके हरम में 70,000 आदमी, औरतें और बच्चे शामिल थे। इतिहास में ये भी दावा किया गया है कि नौजवान और बिना दाढ़ी वाले मर्द उसकी कमजोरी माने जाते थे, लेकिन कहा जाता है कि मलिक काफूर की जगह कोई नहीं ले सका। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी के लिए इतना खास था कि वो उस पर खुद से भी ज्यादा यकीन करने लगा था। काफूर को लेकर सुल्तान की दीवानगी दिनों दिन गहरी होती गई। अपने शासन के आखिरी 4-5 वर्षों में अलाउद्दीन खिलजी की सोचने समझने की शक्ति कमजोर हो गई थी। इन वर्षों के दौरान शासन की पूरी कमान मलिक काफूर के हाथों में आ गई थी। कहा जाता है कि मलिक काफूर ने ही अलाउद्दीन खिलजी की हत्या करवाई थी। हालांकि इस बात की पुष्टि इस तथ्य से भी हो जाती है कि मलिक काफूर ने खिलजी के मरने के बाद उनके 2 बेटों को अंधा करवा दिया था। इसके साथ ही उसने ये भी ऐलान करवा दिया था कि कल सुबह सूर्य के उगने के साथ ही वो गद्दी पर बैठेगा, और ये खबर सुनते ही वहां के सारे वजीरों में हाहाकारी मच गई और सारे वजीरों ने मिलकर रात में कुछ सैनिकों को बुलाकर मलिक काफूर पर हमला करने की कोशिश की और मलिक काफूर को जान से मरवा दिया। और दोस्तों, यही वो समय था जिस वक्त पूरे महल में किसी का भी राज नहीं था और इस महल में कोई भी कुछ भी कर सकता था। वहीं अब अगर हम बात करें हरम में रह रही रानियों के बारे में तो आपको बता दें कि हरम में केवल बादशाह या फिर हकीमों को ही जाने की इजाजत हुआ करती थी और इनके अलावा हरम में कोई भी मर्द प्रवेश नहीं कर सकता था। और इसका मतलब ये होता था कि हरम में बादशाह वहां रह रहे किसी भी रानी के साथ संबंध बना सकता था, चाहे फिर वो जायज हो या फिर नाजायज, लेकिन उन महिलाओं को किसी भी अन्य मर्द को देखने तक की इजाजत नहीं दी जाती थी। हम आपको बता दें कि हरम में रह रही महिलाओं को यौन सुख की प्राप्ति नहीं होती थी और हरम एक ऐसी जगह थी जहां पर महिलाओं को जबरदस्ती बंदी बनाकर रखा जाता था। लेकिन हरम में रह रही सभी महिलाओं के लिए सभी तरह की सुख सुविधाएं दी गई थीं, केवल एक सुख के। हरम में रह रही महिलाएं इस पिंजरे से कभी भी बाहर नहीं निकल पाती थीं और ना ही औरतों और बच्चों के अलावा किसी को भी हरम में देख पाती थीं, और बादशाहों के दीदार भी उन्हें कभी कभार ही हो पाते थे, जिसके बाद इन महिलाओं के अंदर किसी अन्य मर्द को देखने की चाहत और बढ़ने लगी। तो क्यों दोस्तों, हरम में रह रही इन रानियों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।